हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का अन अकेडमी पर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से लाइव जल्दी से आ जाएं ताकि हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर सकें। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो एक बार वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि आज की क्लास का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आने वाली है, और उसी लिए मैं आपका अभी फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करवा रही हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी में मैं स्पेशली उन टॉपिक्स को ले रही हूँ जो आपके एग्जाम में जिनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लासेस में रॉक के बारे में पढ़ा, चट्टानों के बारे में पढ़ा कि चट्टाने क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कौन कौन सी चट्टाने क्या शामिल की जाती है, चट्टान चक्र क्या होता है, ये सब हमने जाना। अब आज की क्लास में उसी से थोड़ा सा आगे का टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिसमें हम काम करेंगे हमारे फोर्सेस को जानने का। क्योंकि चट्टान जब बनती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इग्नियस रॉक होती है वो बनती कैसे है, आपके मैग्मा के बाहर आने से जो लावा बनता है, या मैग्मा जब हमारे अर्थ के क्रस्ट पार्ट के इंटरनल हिस्से में जब वो जम जाता है तो इग्नियस रॉक बनती है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछना चाहिए, सवाल डेवलप होना चाहिए माइंड में कि आखिर ये फोर्सेस लगते कैसे हैं। तो इन सभी को जानने के लिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। जो पहली बार आए हैं उन्हें बता दो दोस्तों, कृतिका पारिक मेरा नाम है। अन अकेडमी पर मैं एजुकेटर हूँ दोस्तों पिछले मई 2020 से। और अगर आप अन अकेडमी का कैसा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों रेफरल कोड में आप UGC10 यूज कर सकते हैं। कैसा भी सब्सक्रिप्शन हो अन अकेडमी का, UGC10 जैसे ही लगाओगे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान में रहे दोस्तों, 10% का ऑफ अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए 15 दिन के लिए ही वैलिड है, क्योंकि 1 मार्च से आपका ये सब्सक्रिप्शन का रेफरल कोड सिर्फ 5% ही काम में आएगा। मतलब ये कि जो फीस है अभी, जहां आपको 10% का ऑफ मिलता है वहां पर आपको सिर्फ 5% का ऑफ दिया जाएगा। तो हरे अब जल्दी से अपना फ्री क्लासेस को अनलॉक करवाने के लिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप रेफरल कोड UGC10 यूज कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर NTA UGC नेट कैटेगरी में कृतिका पारिक नाम से आपको मेरी प्रोफाइल वहां पे मिलेगी, जहां से आप सीधा मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, चाहे वो प्लस क्लास हो चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरा ह्यूमन ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो चुका है। सुबह 7 बजे उसकी ये क्लास होती है। आज भी मॉर्निंग में 7 AM पे क्लास हुई है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, अभी सिर्फ हमारी एक क्लास हुई है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ में आ सकते हैं। UGC10 कोड की मदद से 10% का ऑफ मिलेगा। और ह्यूमन ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, जिसमें अभी इकोनॉमिक चल रही है, बाद में एग्रीकल्चर चलेगी और फिर रीजनल इंडस्ट्रियल ट्रेड सेटलमेंट और पॉपुलेशन। ये सभी ज्योग्राफी मैं आप लोगों की अप्रैल तक मैं कंप्लीट करवा दूंगी। इसके साथ साथ हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। लेकिन अगर आप 12 महीना और 24 महीने में जाते हैं तो वो आपको इकोनॉमिकली और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 12 महीने की फीस 13,000 है, जिसमें आप अगर UGC10 रेफरल कोड लगाएंगे, जहां आपसे पूछा जाएगा हैव यू एनी रेफरल कोड, वहां पे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और 12,000 आपकी फीस हो जाएगी। इसी के साथ साथ आइकॉनिक की फीस 26,000 है, रेफरल कोड UGC10 लगाओगे 23,400 में आपको आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जिसको लेना है सब्सक्रिप्शन जल्दी करें, टाइम बिल्कुल नहीं है। हमारी क्लासेस रेगुलर चलती हैं। मॉर्निंग में 7 AM पे मेरी क्लास होती है, 8 AM पे मेरी स्पेशल क्लास होती है, और दोपहर को 2 बजे आप लोगों के लिए मैं YouTube पे क्लासेस लाती हूँ। तो लगभग ऐसे दिन में मैं 3 बार ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, सुबह 7 बजे, 8 बजे और दोपहर को 2 बजे। तो जिन्हें भी जुड़ना है वो मेरे साथ में रेफरल कोड UGC10 लगा करके फ्री क्लास को अनलॉक करवा सकते हैं और अपने सब्सक्रिप्शन पे भी अपना 10% का ऑफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं उनके लिए। अब आप लोगों को के सामने मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखने वाली हूँ, जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है दोस्तों हमारी अर्थ के फोर्सेज, मतलब कि बल। फोर्सेज हम किसको बोलते हैं, बल हम किसको बोलते हैं, इसका अगर मैं आपको बिल्कुल कॉमन सा इंट्रोडक्शन दूं तो इंट्रोडक्शन आपके सामने है दोस्तों। ये हम सभी जानते हैं कि जैसे आप इमेजिन करेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक इंसान है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप अपनी अर्थ पे ये देखेंगे कि आपको बहुत बहुत पर्वत पठार, वहां से बहता हुआ झरना, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी, बहुत कुछ चीजें दिखती होंगी। और इसी के साथ साथ दूसरी जगह पर आप ये भी पाते होंगे कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरुप्शन हुआ हुआ रहता है, कहीं पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, कहीं पर हमें गहरे सागर देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहीं पर हमें कास्ट रीजन देखने को मिलता है, कहीं पर डेल्टा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी नेचुरल, हमारी जो नेचर है,
नेचर परिवर्तनशील है। क्या बोला जाता है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो भी पूरी तरह से परिवर्तनशील है, ये चेंज होती रहती है। और इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सडनली दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान को महसूस भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता होगा दोस्तों, लगभग एक दो दिन पहले दिल्ली में, माना जाता है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियो में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र माना गया है कजाकिस्तान को। ये एक मान्य माना गया है कि झटके महसूस किए गए थे। तो जिस सेकंड पे झटके आए उसी वक्त महसूस किए गए कि इतने बजकर इतने मिनट पे। तो इसका मतलब कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमें सडन समझ में आते हैं, लेकिन पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, इनके बारे में सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं या सिर्फ हम हमारी थ्योरी दे सकते हैं। बाकी आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो कि ऐसे पर्वत बना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं। और कहीं वहीं दूसरी तरफ अगर आप वॉल्केनिक इरुप्शन देखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट देखेंगे, अर्थक्वेक देखेंगे, लैंडस्लाइड देखेंगे, स्नोफॉल देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सडन फोर्सेस हैं। तो ऐसे मैं एक बात आपको कह सकती हूं कि हमारी अर्थ पे, जो हमारा नेचर है, नेचर पे हमेशा दो तरह के बल लग सकते हैं। कुछ ऐसे बल होते हैं जिनके परिणाम हमें अचानक दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे बल होते हैं जिनके परिणाम हमें काफी लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं। तो एक होते हैं आपके लॉन्ग लास्टिंग और एक होते हैं आपके बिल्कुल सडन फोर्सेस। तो ऐसे करके जो बलों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लाइक जो भी चीज है इस दुनिया में सबके पीछे एक कारण है। तो कारण को अगर हम समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ चीजें जो बनी है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये बनी है एक लंबे का प्रोसेस से। यानी कि इनके बनने का जो कारण है वो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम ज्वालामुखी विस्फोट देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये सडन फोर्सेस से बनी है। तो उम्मीद करती हूँ यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो था दोस्तों एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताती हूं कि हमारी अर्थ के जो फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि अर्थ के फोर्सेस, ठीक है। अब अर्थ के अगर हम फोर्सेस की बात करें तो दो तरह के फोर्सेस हम इसको यहां पे कह सकते हैं, दो तरह के फोर्सेस हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा वॉल्केनिक इरुप्शन भी हो रहा था और आपका किसी जगह पर पर्वत भी बन रहा था, कटाव भी हो रहा था और खिंचाव भी हो रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ के जो फोर्सेस होते हैं वो मेनली दो तरह के फोर्स होते हैं दोस्तों। एक फोर्स को बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या बोला जाएगा दोस्तों इसको? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और एक बोला जाएगा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। मतलब ये, हम यहां पे इनको ये बोल सकते हैं कि एक कहलाते हैं आपके अंतर्जात बल और एक कहलाएंगे आपके बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल का मतलब क्या है? जो हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट पे लगते हैं, यानी कि ऐसे बल जो हमें दिखाई नहीं देते, कैसे काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट हमें पता चलता है। और बहिर्जात बल जो हमारी अर्थ के ऊपर लगते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का अगर मान के चलिए कि ये सरफेस है, तो अगर सरफेस के ऊपर अगर कोई सा फोर्स लग रहा है तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, और अगर अर्थ के निचले हिस्से में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो एंडोजेनिक फोर्सेस है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के नाम से इनको जाना जाएगा। जो इंटरनल पार्ट में उठते हैं वो अंतर्जात बल कहलाते हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट में बनते हैं वो बहिर्जात बल कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम यहाँ पे एक बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपको एक डायग्राम बना के बता दूं, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसी के बारे में हम डिटेल से हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेजरली आपके यहाँ पे लिखा जाएगा कि फोर्स, बल। बल यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको दो तरह के, ठीक है जी। पहला बल हमारा कहलाता है एंडोजेनिक फोर्स। और एक बल हमारा कहलाता है एक्सो। एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यानी कि अंतर्जात बल और एक कहलाता है बहिर्जात बल। ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे सामने इतनी इमेज तो क्लियर है कि अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने मैंने आपको बताया कि एक तो माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, यानी कि कहीं तो पर्वत बन रहा है और कहीं पे भूकंप आ रहा है, तो हमने अब तक जितनी ज्योग्राफी अब तक पढ़ी है उसमें ये पता है कि अर्थ में जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है वो भी आंतरिक बलों से होता है, और जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है या भूकंप आते हैं वो भी आंतरिक बलों से आते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। तो इसी आधार पे जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, यानी कि जो अंतर्जात बल है दोस्तों, इसको हम फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसके दो पार्ट्स हमारे यहाँ पे कहलाएंगे। एक आपका कहलाता है दोस्तों, जिसमें हम बोलते हैं उसको पटल विरूपणी बल, जिसे बोला जाता है डियास्ट्रॉपिक फोर्सेस। ठीक है, एक हमारा क्या कहलाता है डियास्ट्रॉपिक फोर्स, और एक आपका कहलाता है दोस्तों सडन सडन फोर्सेस। मतलब डियास्ट्रॉपिक का मतलब होता है पटल विरूपणी बल, और इसका होता है सडन का हम इसको बोल सकते हैं आकस्मिक बल। अब पटल विरूपणी बल में हम क्या बोलेंगे, जैसे कि हम इसको अगर डिफाइन करें तो डियास्ट्रॉपिक हो गए स्लोली बनने वाले, जिसमें माउंटेन बिल्डिंग हो गया, महाद्वीपों का बनना हो गया, महासागरों का बनना हो गया, तो ऐसे ही जो पटल विरूपणी बल होते हैं इन्हें भी आगे चल के दो तरह में डिवाइड हम कर देते हैं, क्योंकि एक तो ये धीरे धीरे बन रहे हैं, इसी के साथ साथ इन्हें दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स यहाँ पे कौन कौन से कहलाएंगे दोस्तों, पहला हमारा ये बल कहलाएगा दोस्तों, जो आपके पटल विरूपणी बल होते हैं, इसमें दो तरह के फोर्सेस लगते हैं दोस्तों। ठीक है, एक कहलाते हैं आपके एपीरियोजेनिक फोर्सेस और एक कहलाते हैं आपके ओरियोजेनिक फोर्सेस। एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस और एक कहलाते हैं आपके ओरियोजेनेटिक फोर्सेस, मतलब कि एक हमारे कहलाते हैं जो महाद्वीपों का निर्माण करें और एक हमारे कहलाते हैं जो पर्वतों का निर्माण करें। ठीक है, अब महाद्वीपों का निर्माण करने वाले और पर्वतों का निर्माण करने वाले, इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे महाद्वीपों के निर्माण करने में दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक लगता है दोस्तों अपवर्ड फोर्स और एक लगता है डाउनवर्ड फोर्स, मतलब कि उमज्जन और निमज्जन। पर्वतों के लगने वाले भी दो फोर्सेस होते हैं, एक कहलाते हैं दोस्तों आपके टेंशनल फोर्स और एक कहलाते हैं कंप्रेशनल फोर्स, यानी कि तनाव से बनने वाले और एक कहलाते हैं संपीड़न से बनने वाले। तनाव से बनने वाले को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स आ जाएंगे जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताइए, अगर किसी को पता है तो। मैं बताना आपको शुरू कर रही हूं, तनाव से बनने वाले तीन तरह के फोर्सेस होते हैं। एक में आती है दोस्तों आपके फॉल्टिंग, मतलब कि भ्रंश, एक में आती है आप एक कहलाता है हमारा फॉल्टिंग, एक कहलाती है हमारी क्रैकिंग और एक कहलाता है हमारा फ्रैक्चर। ये हो गया। और अगर बात करते हैं दोस्तों हमारे संपीड़न की, तो संपीड़न के अंदर भी हमारे अलग अलग तरह के फोर्सेस आ जाते हैं, जैसे कि एक में आ जाती है आपके रैपिंग, ठीक है, और एक में आ जाती है आपके फोल्डिंग। ठीक है, अब फिर हम आगे चल के फोल्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जो रैपिंग होगी ये भी दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, एक हमारी कहलाएगी अपरैपिंग और एक कहलाएगी डाउन रैपिंग। ठीक है जी, तो यहां तक तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये आपके आते हैं दोस्तों पटल विरूपणी बलों में, मतलब कि जो धीरे धीरे लगते हैं। अब हम ध्यान देते हैं हमारे सडन फोर्सेस में, तो सडन फोर्सेस में इतने नहीं होते हैं दोस्तों। इनमें आपके नंबर वन आते हैं वॉल्केनिक इरुप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक इरुप्शन हो गया, अर्थक्विक हो गया, एवलेंचेस हो गए, इन सभी को हम इसमें शामिल करते हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस की, यानी कि जो बाह्य रूप में लगते हैं। इसमें हमें इतना नहीं सोचना है दोस्तों, इसमें हमारा एक फीचर काम करता है जिसको बोला जाता है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन। तो अनाच्छादन की क्रिया में हम किन किन क्रियाओं को शामिल करते हैं, एक कहलाती है आपकी वेदरिंग। डेन्यूडेशन में आप क्या आ जाएगी दोस्तों, एक तो कहलाएगी हमारी वेदरिंग और एक हमारी कहलाएगी इरोजन। ठीक है, वेदरिंग हो गई और इरोजन हो गया। अब इरोजन के अंदर ग्लेशियल से इरोजन हो रहा है आपका, या ग्लेशियल हो रहा है विंड से हो रहा है, एओलियन हो रहा है आपका, फ्लूवियल हो रहा है, वेव से हो रहा है, ये सभी को हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी एक लिस्ट है,
नो डाउट आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा कि मैम कुछ ही समझ में आ रही है, कुछ ही समझ में नहीं आ रही है, बट ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बना के बताया है। लेकिन अब हम इसको समझने की अगर थोड़ी कोशिश करें तो इतना टफ नहीं है समझने में आपको। जैसा ये है दोस्तों, मान के चलिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगते हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। अब एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक कहलाए हमारे डियास्ट्रोपिक फोर्सेस और एक कहलाए हमारे सडन फोर्सेस। मतलब ये कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले ऐसे बल जिनका असर एक तो आंखों से दिखे और एक आंखों से ना दिखे, बस इजी डेफिनेशन ये है। अब जिनका असर आंखों से दिखता है, फॉर एग्जाम्पल जो वॉल्केनिक इरुप्शन होता है हमें आंखों से दिखाई देता है, अर्थक्वेक देख सकते हैं, एवलेंचेस आराम से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी तेज आते हैं कि ये हमें पता चल जाता है। जैसे कि दिल्ली में इतने बज के इतने मिनट पे भूकंप आया, या हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर अंडमान जो है वो एक्टिव वॉल्केनो का रीजन है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग ज्वालामुखी विस्फोट को अपनी आंखों से भी देख पाते हैं, बहुत दूर होते हैं बट वो देख पाते हैं। इसका मतलब कि वो सडन फोर्सेज में काउंट होगा। इसके बिल्कुल विपरीत हमारे यहाँ पे आते हैं डियास्ट्रोपिक फोर्सेस, जिसमें ये कि हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में लगने वाले कुछ ऐसे फोर्स जिनसे कई चीजों का फॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन उनकी जो टाइमिंग है या उनके बनने का जो प्रोसेस है वो इतना बड़ा है कि वो इंसान की को महसूस नहीं हो सकते। इनको हम क्या बोलते हैं, पटल विरूपण। अब आप बताइए कि जब महाद्वीप बने होंगे तब क्या इंसान था, क्या नहीं था? पर्वत जब बने होंगे तब इंसान नहीं था? आज भी लाखों सालों के बाद में हो सकता है कोई पर्वत निर्माण की क्रिया जारी हो, बट उसका पता लाखों सालों के बाद चलेगा जब वो पूरा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमारी अर्थ पे बड़े बड़े जो चीजें बनी है, जैसे कि महाद्वीप बने हैं, पर्वत बने हैं, पठार बने हैं, उनको हम पटल विरूपणी बल में शामिल करेंगे। तो इसमें हम मेनली दो तरह के फोर्सेस शामिल करेंगे, एक कहलाता है एपीरियोजेनेटिक फोर्स, एक कहलाता है ओरियोजेनेटिक फोर्स। एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस को हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटली, क्योंकि इसमें क्षैतिज रूप से बनते हैं, जितने भी महाद्वीप होते हैं वो क्षैतिज रूप से बनते हैं। एक कहलाता है ओरियोजेनेटिक फोर्स, जिसमें पर्वत बनते हैं, इसको हम हॉरिजेंटल बोल सकते हैं क्योंकि पर्वत लंबाई में बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पटल विरूपणी बलों की अगर हम बात करें तो एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस आते हैं। अब एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस मतलब महाद्वीपों का निर्माण, तो उसमें एक तो फोर्स लगता है अपवर्ड, एक लगता है डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी जगह, यानी कि कोई महाद्वीप है, महाद्वीप का एक ऐसा हिस्सा जो अगर अपने पास के हिस्से से ऊपर उठ जाता है तो वो अपवर्ड की सिचुएशन कहलाती है। या वो अगर अपने कोई तटवर्ती हिस्सा है, अगर वो अपने तट से ऊपर उठ जाता है तो भी वो अपवर्ड की सिचुएशन कहलाती है ना। और डाउनवर्ड में क्या होता है, महाद्वीप का जो हिस्सा होता है वो अपने तटीय क्षेत्र से अगर नीचे चला जाता है तो वो डाउनवर्ड की सिचुएशन में आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में, ये देखो दोस्तों हमारे इंडिया में ये जो हिस्सा है इस हिस्से को बोलते हैं हम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो अरेबियन सी की तरफ है, क्योंकि ये इज इट इज अ पार्ट ऑफ, दोस्तों ये आपके डाउनवर्ड का पार्ट है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे इसका निमज्जन हो रहा है। क्यों हो रहा है निमज्जन? में मैंने आपको क्या बताया था, तटीय क्षेत्र पर, तटीय क्षेत्र के मान लीजिए कि कोई एक महाद्वीप है उसका एक हिस्सा अगर अपने तट से नीचे की तरफ धस रहा है तो वो निमज्जन कहलाएगा। और हमेशा याद रखना डाउनवर्ड की सिचुएशन हमेशा कोस्टल एरिया में ही होगी, अपवर्ड की सिचुएशन बीच लैंड में भी हो सकती है बट डाउनवर्ड की सिचुएशन हमेशा कोस्टल रीजन पर ही होगी। तो अपवर्ड में, अपवर्ड के अंदर कोई सा भी हिस्सा अपने महाद्वीप के पास वाले हिस्से से ऊपर जा सकता है या तट के पास वाले हिस्से से ऊपर जा सकता है, लेकिन डाउनवर्ड के अंदर सिर्फ वो अपने तटीय क्षेत्रों के हिस्से से ही नीचे जाएगा। जैसे कि पश्चिमी घाट जो है वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैं बार बार बताती हूँ आपको कि गुजरात के अंदर जो द्वारिका है, आज के 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण वहां जाके रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे बोला जाता है कि द्वारिका पानी में डूब गई है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि द्वारिका आता है गुजरात में, गुजरात इज ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोट और वेस्टर्न कोट में डाउनवर्ड का प्रोसेस जारी है, निमज्जन वहां होता है। इस वजह से यहाँ पे जो पानी की जो नगरी थी वो पूरी की पूरी पानी में बह गई है। तो महाद्वीपों के बनने के अंदर जो फोर्स काम करते हैं, एक होता है अपवर्ड का, एक होता है डाउनवर्ड का, मतलब कि
महाद्वीपों के हिस्सों का ऊपर उठना और नीचे की तरफ जाना। देन हमारे सामने कंडीशन आती है दोस्तों ओरियोजेनेटिक, मतलब कि पर्वतों के निर्माण के लिए। तो पर्वतों का निर्माण दो तरह से होता है, एक होता है तनाव की वजह से, एक होता है कंप्रेशन की वजह से। तो चलिए ये मोटी मोटी बातें तो हमने यहाँ पे समझ ली है। अब सबसे पहले हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अभी वाली क्लास में हमारे जो फोर्सेस होते हैं सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस मतलब आकस्मिक बल। आकस्मिक बल के बारे में हम चर्चा करेंगे, मतलब ये कि हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट से होने वाले जो सडन फोर्सेस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आता है दोस्तों आपके वॉल्केनिक इरुप्शन, एक होता है वॉल्केनिक इरुप्शन और एक क्या लाता है हमारा अर्थक्वेक, और एक कहलाते हैं हमारे एवलेंचेस, और ये कहलाते हैं हमारे लैंडस्लाइड, मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, आपके हिमस्खलन, और ये कहलाते हैं भूस्खलन। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट इसमें शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए अगर वॉल्केनिक इरुप्शन की, तो यहाँ पे आपको नंबर वन पे हेडिंग डालनी है हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में लगने वाले फोर्सेस में वॉल्केनिक इरुप्शन। देखिए वॉल्केनिक इरुप्शन कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, बट एक चीज यहाँ पे याद रखना, हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में दोस्तों एक जगह होती है जिसको बोला जाता है मैग्मा चैम्बर। मान के चलिए कि ये है, यहाँ पे एक जगह है जहां पे मैग्मा इकट्ठा है, इसको बोला जाएगा मैग्मा चैम्बर। ठीक है, मैग्मा चैम्बर में जो मैग्मा होता है दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह की करंट चलती है, जो चट्टाने होती है चट्टानों का सिकुड़ना फैलना जारी रहता है, तो उस वजह से जो लावा होता है यहाँ पे मौजूद, जो मैग्मा होता है इंटरनल पार्ट में, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलते निकलते वो कामयाब हो जाता है हमारी अर्थ के क्रस्ट पार्ट तक आने में। और क्रस्ट का क्योंकि उसके पास में इतना ज्यादा फोर्स होता है कि वो क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तब उसको संज्ञा मिलती है लावा की। जब वो अंदर होता है तब तक वो मैग्मा कहलाता है, जैसे ही वो बाहर आता है वो लावा बनता है। अब क्योंकि वो बाहर आ गया, तो जैसे ही वो बाहर आएगा तो यहाँ पे खड़े जो लोग होंगे उन तक ये खबर जरूर पहुंचेगी कि कहीं पे वॉल्केनिक इरुप्शन हुआ है, क्योंकि वो उसको अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो क्योंकि अचानक से विस्फोट होता है यहाँ पे, लावा निकला, लावे की वजह से क्या होगा, विस्फोट होगा। विस्फोट क्या होता है, बिल्कुल अचानक होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे सडन फोर्सेस के अंदर काउंट हो रहा है। तो क्योंकि अचानक से यहाँ पे विस्फोट हुआ तो इस चीज के बारे में पता चल गया। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो आपके सडन फोर्सेस के अंदर काउंट होता है। अगर एग्जाम में पहली बार तो इतना ईजी सवाल नहीं पूछते हैं, बट अगर आए तो याद रखना ज्वालामुखी बिल्कुल सडन फोर्सेस के अंदर काउंट किया जाता है। अब वॉल्केनिक इरुप्शन हमारा हो गया। सेकेंड नंबर पे हमारा पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं हम अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमेशा जब भी प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो भूकंप आता है। काफी लोगों का एक सवाल ये रहता है कि मैम जब प्लेटें किस कंडीशन में, क्योंकि तीन तरह की कंडीशन होती है, एक कहलाती है क्योंकि तीन तरह की बाउंड्रीज बनती है, एक कन्वर्जन बाउंड्री, डायवर्जन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री, तो किस कंडीशन में वॉल्केनिक इरुप्शन आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं। तो मैं ये बोलूंगी आपको कि हर कंडीशन में ऐसा होता है, स्पेशली अगर अर्थक्वेक की बात की जाए तो अगर दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो श्योरली आपके अर्थक्वेक आएगा। अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो भी अर्थक्वेक आएगा। क्यों आएगा, ऑब्वियसली प्लेटें हैं, हिल तो रही है ना, तो करंट तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। और अगर दो प्लेटें एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, या दो प्लेटें एक साथ में एक सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो भी आपके क्या आएगा, अर्थक्वेक की सिचुएशन जनरेट होगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अर्थक्वेक का आना बिल्कुल तय है। हम बोलते हैं कि हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है,
और उसके अंदर जो भूकंप आते हैं उनका रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कहीं ना कहीं टकरा रही है, और नेपाल के अंदर जो भूकंप आया था वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम उसको बोल सकते हैं। तो क्योंकि प्लेटें हैं, अगर एक दूसरे से टकराती है तो कंपन होता है, अर्थक्वेक आएगा। एक दूसरे से दूर जाती है तो भी कंपन होगा, अर्थक्वेक आएगा। अगर एक दूसरे से रगड़ के जाएगी तो श्योरली अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट से जो वेव्स निकलती है, जो हमारी सरफेस पार्ट पे आके जो नुकसान पहुंचाती है या तहलका मचाती है, उसी को हम बोल सकते हैं कि वो भूकंप की श्रेणी के अंदर वो आ जाता है। सिस्मोग्राफ से इसको नापा जाता है और रिक्टर स्केल पे देखा जाता है कि ये किस पीएच किस लेवल के ऊपर हमारा अर्थक्विक आया था। तो क्योंकि इसको हम अच्छा आसानी से फील कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे पंखा हिलने लगता है या आसपास की चीजें हिलने लगती है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये अर्थक्विक है। तो क्योंकि हमारे लिए रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी है अर्थक्विक को, तो ये भी हमारे सडन फोर्सेज में काउंट होगा। एंड देन इसके बाद में हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों, जिसमें हम बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड, भूस्खलन। लैंडस्लाइड जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली आपको पहाड़ी क्षेत्रों पे ज्यादा देखने को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पे, मान के चलिए कि कोई पहाड़ है, उस पहाड़ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर से लेकर के मिट्टी तक जो चीजों का डाउनवर्ड जो जब वो नीचे की तरफ आती हैं, तो उसी को हम लैंडस्लाइड बोल सकते हैं। काफी लोगों को लगता है कि लैंडस्लाइड में सिर्फ मोटे मोटे पत्थर होते हैं, जी नहीं, लैंडस्लाइड में मोटे मोटे पत्थर से लेकर के मिट्टी, इवन यहाँ तक वहां पे जो मलबा होता है, मलबा तक लैंडस्लाइड का ही एक हिस्सा माना जाता है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर हम हमारा इरोजनल, हमारा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों फोर्सेस बोल सकते हैं, पर ज्यादातर इसमें फोर्स किसका लगेगा? इंटरनल पार्ट का। इंटरनल पार्ट में क्योंकि गतिविधियां होती रहती है, उन गतिविधियों की वजह से ही कंपन जनरेट होता है, और वो क्या करता है, इनको अपनी तरफ जो कंपन होता है वो बहुत सारी चीजों को हिलाने का, कंपन क्या करता है, जो मान के चलिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा कंपन हो रहा है तो कंपन की वजह से भी ये हिलते हैं, और इसी के साथ साथ इनके अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो भी उतना ही काम करता है। तो मास मूवमेंट होने की वजह से ये चीज, ये जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है, और उसी वजह से मोटे मोटे पत्थरों से लेकर के मलबे तक का जो ढलान की तरफ मूवमेंट होता है, उसी को हम लैंडस्लाइड बोल सकते हैं। और क्योंकि इसे हम हमारी आंखों से बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, इसे देखा जा सकता है ना आंखों से, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये तो सडन मूवमेंट के अंदर काउंट होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, एंड देन इसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं एवलेंचेस, हिमस्खलन। जो हमारे पहाड़ी एरिया में या बर्फीले इलाकों में जो बर्फ का एक जगह से दूसरी जगह पर या ऊपर से नीचे तक जो स्लाइड होती है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, हिमस्खलन का नाम देते हैं। वहां पे मिट्टी होती है, यहाँ पे बर्फ होती है। केवल बर्फ नहीं होती है, इसके अंदर भी, बर्फ के अंदर भी छोटे से लेकर के थोड़े बड़े कण यहाँ पे मौजूद रहते हैं। 1 मिनट का टाइम देंगे गाइस, प्लीज 1 मिनट का है। तो ये जो हमारे सामने 4 पॉइंट आए थे, वॉल्केनिक इरुप्शन, अर्थक्वेक, और इसी के साथ साथ हमारा एवलेंचेस और हमारा लैंडस्लाइड, ये सब किसका पार्ट आया है दोस्तों? ये सब हमने देखा है हमारे आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस में। तो आज की क्लास में जो हमारे, सॉरी, सडन फोर्सेस में, तो आज की क्लास में जो हमारे सडन फोर्सेस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप लोगों के लिए दोस्तों, कल की क्लास में मैं एंडोजेनिक फोर्सेस में आपको एपीरियोजेनिक फोर्सेस और ओरियोजेनिक फोर्सेस को कंप्लीट करवाऊंगी। तो कल की क्लास आज की क्लास से भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल हम फॉल्टिंग पढ़ेंगे, फॉल्ट्स के टाइप पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, हर्ट्स क्या होता है, ग्रैबन क्या होता है, क्रैकिंग क्या होती है, फोल्ड्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने तरह के फोल्ड्स होते हैं, रैपिंग क्या होती है, ठीक है, डाउन रैपिंग क्या होती है, अप रैपिंग क्या होती है, ये सब हम कल की क्लास में अब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए तो दोस्तों इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपके कोई से भी सवाल जवाब हो आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको आज की क्लास लगी कैसी इसके बारे में भी आप आज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब करना जरूरी है. क्यों है? क्योंकि गाइस 20 फरवरी को हमारे जो आपका अपना चैनल है ना, अन अकेडमी यूजीसी नेट, इसकी आ रही है फर्स्ट एनिवर्सरी. और तब तक हमें टारगेट करना है हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स को जोड़ने का. तो जल्दी से जितना हो सकता है उतना ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए. और 20 तारीख को हमारे साथ में चैनल के फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जरूर जुड़िएगा. इसी के साथ साथ विदा लेती हूँ आपसे. कल मिलूंगी आपसे दोपहर को 2 बजे एक नए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस के साथ में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.